नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल आर के यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट रोबिन कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं Redmi Y2 के MIUI 11 के अपकमिंग स्टेबल अपडेट के फीचर्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, Redmi Y2 को सबसे पहले एक 11.0 सीरीज का एक अपडेट मिलेगा कुछ दिन के बाद। उसके बाद वो दोस्तों मिलेगा MIUI 11.1 सीरीज का अपडेट लगभग 1.5 महीने के बाद। तो उसमें आपको ये सारी फीचर्स मिलने वाली है जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बात करें अगर सबसे पहले फीचर की, तो आपको अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का ऑप्शन मिल जाएगा इस अपडेट में। और उसमें दोस्तों होगा क्या कि उसमें अगर आपका चार्ज बहुत ज़्यादा कम है फिर भी आप उसको काफ़ी ज़्यादा समय तक यूज कर सकते हैं। अगर आपने अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को ऑन कर देंगे तो आपका सारा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। सिर्फ आपका एक दो एप्लीकेशन आप ऐड कर सकते हैं, उसमें आपको ऑप्शन देगा 2-4 एप्लीकेशन ऐड करने का। तो जिसे आप ऐड करेंगे उसमें वही सब एप्लीकेशन काम करेगा, बाकी सारे जितने भी चीज़ है फ़ोन का सारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा और सारा का सारा आपको ब्लैक एंड वाइट और मतलब ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। तो ये फीचर काफ़ी बेहतर फीचर है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और बात करें दोस्तों नेक्स्ट फीचर की, दोस्तों नेक्स्ट फीचर आपको मिलेगा गैलरी में। दोस्तों गैलरी का बिल्कुल न्यू डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा आपको गैलरी में। दोस्तों गैलरी का पूरा इंटरफेस आपको चेंज देखने को मिलेगा, काफ़ी न्यू फीचर्स आपको गैलरी में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ रिसाइकिल बिन का भी ऑप्शन आपको गैलरी में मिलेगा। दोस्तों उससे होगा क्या कि सबसे पहले क्या होगा कि आप अगर कुछ डिलीट करते हैं, अभी अगर आपने MI क्लाउड से आपने अगर सिंक करके नहीं रखा है गैलरी को, तो होता क्या है कि वो डिलीट हो जाता है परमानेंटली, ठीक है। फिर अगर आपको वापस चाहिए तो वो नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों उसमें होगा क्या कि आप कुछ भी डिलीट करेंगे तो वो जाकर डस्टबिन में सेव हो जाएगा, जिससे कि आप वहाँ पर जाकर उसे 3 दिन तक आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। वो 3 दिन तक अगर आप उसे रिकवर नहीं करेंगे तो वो वापस से वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, ठीक है। तो दोस्तों कुछ भी अगर आप डिलीट करते हैं तो उसे आप 3 दिन तक रिकवर कर सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा, ठीक है। और दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। दोस्तों नेक्स्ट फीचर हमें मिलने वाला है ऐप ड्रॉअर, ठीक है। ऐप ड्रॉअर अभी Xiaomi की तरफ से नहीं मिला है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, मगर दोस्तों अब Xiaomi की तरफ से ऐप ड्रॉअर आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियली इस अपडेट में, ठीक है। और दोस्तों अगले फीचर की बात करें तो आपको डिस्प्ले में सनलाइट मोड देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों होगा क्या कि सनलाइट मोड जो है ऑन कर देंगे आप जैसे, तो क्या होता है कि सनलाइट में आप जाते हैं तो आपको मतलब ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा से दिखता नहीं डिस्प्ले में, ठीक है। तो अगर आप सनलाइट मोड को ऑन कर देंगे तो आपका ब्राइटनेस और भी एनहेंस हो जाएगा, आपको जितने भी टेक्स्ट है सारा आपको क्लियरली दिखाई देगा सनलाइट में भी, ठीक है। धूप में आप रहेंगे तो भी आपको सारे अच्छे से दिख जाएगा, सारे अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। आप सनलाइट में भी काफ़ी अच्छे से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो दोस्तों आपको डिजिटल वेलबिंग के अंदर में आपको फोकस मोड मिलेगा, ठीक है। उस फोकस मोड में आपको जाना है, उसे इनेबल करना है, उस वजह से ही आप इनेबल करेंगे। उसके बाद दोस्तों होगा क्या कि उसमें जितने भी आपका एप्लीकेशन है, इंस्टॉल एप्लीकेशन या फिर प्ले इंस्टॉल, सारे एप्लीकेशन आ जाएगा। उसके बाद आप उसे जिसे भी चाहे फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके आप फ्रीज कर देंगे तो उसके समय भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि कितने समय तक मुझे ये एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना है। उसमें बहुत तरह का फीचर दोस्तों मिलता है, उसको आप कर लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपको गैलरी में क्लाउड फिल्टर भी मिलेगा, और दोस्तों साथ ही साथ उस क्लाउड फिल्टर में कुछ न्यू फिल्टर्स भी ऐड किए जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको मिलेगा MIUI 11.1 सीरीज़ के अपडेट में Redmi Y2 डिवाइस को। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको Redmi Y2 से रिलेटेड इसी टाइप का वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों बस मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।